हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नुपुर सद्दा। इस वीडियो में अपन स्टडी करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एज वी नो दैट आर बायोस्फीयर इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? इट मीन्स वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आर माइंड इज हाउ विल वी क्लासिफाई दीज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। So, several attempts have been made in the past in order to classify the organisms. लेकिन जो पहले अटैम्प्ट किए गए थे उनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिजम्स को, उनके अंदर साइंटिफिक क्राइटेरिया इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम अलग अलग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज करे गए थे, जैसे कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड इवन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, विच टुक इनटू अकाउंट द साइंटिफिक क्राइटेरिया। नाउ विल स्टडी दिस इन डिटेल। सबसे पहला जो नाम आता है इसके अंदर वो आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने जो है ऑर्गेनिजम्स को 2 में डिवाइड करा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट अस नोट डाउन दीज पॉइंट्स। पहला जो नाम आएगा वो आएगा एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने डिवाइड करा था ऑर्गेनिजम्स को, डिवाइडेड ऑर्गेनिजम्स into plants and animals on the basis of their morphological characters. Plants को इन्होंने 3 categories में divide करा था, that is tall trees, then smaller shrubs and small delicate plants, that are the herbs. फिर एनिमल्स को भी इन्होंने 2 में डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो एक कैटेगरी तो हो गया जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है और दूसरा कैटेगरी हो गया जिसके अंदर आरबीसीज एब्सेंट है। नाउ आफ्टर द एरिस्टोटल जो नेक्स्ट नाम आता है वो आता है लीनियस का। लीनियस ने प्रपोज करा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड करा था, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ये कैटेगराइजेशन करा गया था, यानी प्लांटे जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमेलिया जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। तो जो नेक्स्ट नाम अपन लिखेंगे दैट इज ऑफ लीनियस। लीनियस प्रपोज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन and the 2 kingdoms were plantae and animalia. इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा और इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। नाउ लीनियस के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें प्लांटे के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। वेरेरियास एनिमेलिया इंक्लूडेड प्रोटोजोअन्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। नाउ नेक्स्ट टू द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कम्स द 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करा था अर्नस्ट हेकल ने। इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया के अलावा एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करा था, दैट इज द प्रोटिस्टा। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड है एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअन्स।
प्लांटर के अंदर इंक्लूडेड हैं ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, एंड एनिमेलिया के अंदर इंक्लूडेड हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब अगर हम ओवरऑल देखें टू किंगडम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को, तो इनके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर केप्ट टुगेदर। आप देख सकते हैं इधर भी बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है, इसको अदर यूकैरियोट्स के साथ प्लेस किया गया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैक्टीरिया को अदर यूकैरियोट्स के साथ प्लेस किया गया है। सेकेंड जो डीमेरिट है, दैट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैप टुगेदर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा गया है दोनों में, टू किंगडम एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। थर्ड पॉइंट आता है ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स आर कैप टुगेदर। अब यहाँ अगर हम देखें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो आप देख सकते हैं एल्गे क्या है, ऑटोट्रॉफ है, यानी कि ये खुद अपना खाना बनाता है। देन फंजाय क्या है, हेटरोट्रॉफ है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, इट फीड्स ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। बैक्टीरिया के अंदर दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन मोस्टली हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। प्रोटोजोन्स की हम बात करें तो ये भी क्या है, हेटरोट्रॉफ है बाय नेचर। सो यहाँ पर क्या है, दीज आर द डीमेरिट्स वी कैन से ऑफ टू किंगडम एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसीलिए नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करा था कोपलैंड ने, दैट इज़ द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज़ द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज प्रपोज बाय कोपलैंड। इसके अकॉर्डिंग जो है चार किंगडम्स देखे जा सकते हैं। एक नया किंगडम बनाया गया था दैट इज़ ऑफ मोनेरा, एंड द अदर किंगडम्स आर प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर रखा गया था बैक्टीरिया को, तो हम कह सकते हैं कि इस क्लासिफिकेशन के थ्रू प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम यूकैरियोट्स। लेकिन दूसरे ड्रॉबैक्स अभी भी पाए जा रहे हैं, दैट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस टुगेदर, एंड ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स आर प्लेस टुगेदर। इसके बाद प्रपोज करा गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर एच विटेकर। सो आर एच विटेकर प्रपोज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फंजाई वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सेपरेट किंगडम। सो यहां पर जो किंगडम्स देखने को मिलेंगे, दे आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इसमें अगर हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा में क्या इंक्लूडेड रहेगा, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दैट इज़ ए एंशिएंट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे दैट इज़ ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। क्लियर? प्रोटेस्टा के अंदर आता है डायएटम्स, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोअन्स। दे इंक्लूड द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, दे इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई के अंदर फंजाई माइकोटा आ जाएगा। प्लांटे के अंदर आता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एनिमेलिया के अंदर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स विल बी इंक्लूडेड। सो इट इंक्लूड्स इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो कार्ल वोस ने प्रपोज करा था थ्री डोमेन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन।
इन्होंने तीन डोमेन्स कंसिडर करे थे. डोमेन्स को वी कैन कॉल इट एज अ सुपर किंगडम. पहला जो है दैट इज आर्किया, देन इज बैक्टीरिया एंड इज यूकेरिया. क्लियर? आर्के बैक्टीरिया को इन्होंने एज अ सेपरेट किंगडम माना था, तो इसके अंदर जो किंगडम इंक्लूडेड रहेगा दैट इज आर्के बैक्टीरिया विच आर द एंशियंट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर जो किंगडम रहेगा दैट इज मोनेरा. यूकेरिया के अंदर जो किंगडम्स रहेंगे दे आर फोर. सबसे पहला आता है दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. क्लियर? सो हम ये कह सकते हैं कार्ल वूस ने इनको तीन डोमेन्स में डिवाइड करा है, दैट इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया. दीज आर द सुपर किंगडम्स विच इंक्लूड दीज किंगडम्स. आर्किया के अंदर किंगडम आएगा आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर आएगा मोनेरा, यूकेरिया के अंदर आएगा प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो अगर हम देखें तो दीज आर सिक्स किंगडम्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. क्लियर? और ये जो क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए जीन. ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए जीन्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वॉज प्रपोज्ड बाय विटेकर, क्योंकि अपन इसी को अडॉप्ट करके चलेंगे और इसी का डिटेल देखेंगे. नाउ लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वॉज प्रपोज्ड बाय विटेकर. According to his classification, there were five kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Now, what was the main criteria of his classification? सबसे पहला जो criteria था that is the complexity of the cell. Complexity of the cell से मतलब है कि cell कैसा है, prokaryotic है या eukaryotic है. सेकेंड जो आता है दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है. नाउ नेक्स्ट जो अपन देखेंगे दैट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है. देन कम्स द रिप्रोडक्शन और द लाइफस्टाइल एंड लास्ट जो आएगा दैट इज़ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस्ड. क्लियर? नाउ इफ यू कंसिडर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द विटेकर इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी विद द इंक्रीजिंग इवोल्यूशन, देन विल सी सबसे पहला जो आएगा दैट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल की अगर हम बात करें तो कैसा हो सकता है सेल, या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक. क्लियर? नेक्स्ट आता है दैट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर. क्लियर? अब यहां अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा किंगडम इंक्लूडेड है, दैट इज द किंगडम मोनेरा. इट इंक्लूड्स द किंगडम मोनेरा. देन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा किंगडम आएगा, दैट इज द किंगडम प्रोटेस्टा. क्लियर? इसके बाद आता है मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर के अंदर तीन किंगडम्स आते हैं दैट इज प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया.
तो यहाँ पर तीन किंगडम्स देखने को मिलेंगे, प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया। दिस इज किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो किंगडम प्लांटे जो है वो क्या रहेगा, ऑटोट्रॉफिक, बिकॉज प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दिस इज ऑटोट्रॉफिक। फंजाई क्या होगा, हीटरोट्रॉफ्स होते हैं फंजाई, सैप्रोफिटिक होते हैं, दे फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, और जनरली इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है दैट इज अब्सॉर्प्टिव, दे सेक्रीट सर्टन सब्सटेंसेस, लीड्स टू द डीकम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल एंड देन अब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन। तो दीज आर हीटरोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स में भी कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अब्सॉर्प्टिव। एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो एनिमल्स भी क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट। देन आता है इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल रोल की अगर हम बात करें तो प्लांट्स क्या है, बेसिकली दीज आर द प्रोड्यूसर्स। फंजाई कौन सी कैटेगरी में आएंगे, डीकम्पोजर्स, दे डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। हेटरोट्रॉफ्स एनिमेलिया हो गया, एनिमेलिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर्स। सो दिस शोज इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी विद इवोल्यूशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। Now let us look at the different characteristics of the five kingdom. Five kingdoms मैंने यहाँ लिख दिए हैं, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia, और इस साइड पर मैंने लिखे हैं characters. सबसे पहला जो character अपन देखेंगे that is the cell type, कि ये prokaryotic है या eukaryotic है। तो अगर हम बात करें Monera की तो this is prokaryotic, जबकि बाकी सारे किंगडम्स जो हैं वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, यूकैरियोटिक। सो ऑल ऑफ दीज आर यूकैरियोटिक। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो आता है दैट इज अ सेल वॉल। देखिए सेल वॉल की अगर हम बात करें तो मोनेरा के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर जो है सेल वॉल देखने को मिलती है, और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन की, यानी यहाँ पर सेल वॉल हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, दैट इज अमीनो एसिड एंड शुगर। प्रोटेस्टा के अंदर जो है सम ऑफ देम हैव सेल वॉल, सम ऑफ देम have cell wall, clear? Next आता है fungi, इसके अंदर जो cell wall होगी that is made up of, present होगी और किसकी बनी होगी, chitin की, that is chemically an acetyl glucosamine। Plantae के अंदर भी cell wall मौजूद होती है, cell wall present होगी और कैसी होगी, cellulosic, cellulose की बनी होती है, जबकि एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल क्या होती है, इट इज एब्सेंट। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो मोनेरा के अंदर कैसा मिलता था, अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट। बाकी सारे कौन से हैं, यूकैरियोट्स हैं, तो सबके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। तो इन द रिमेनिंग किंगडम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा की अगर हम बात करें और प्रोटेस्टा की, तो ये दोनों ही क्या होंगे, सेलुलर लेवल।
यूनिसेल्युलर होते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, सेल्युलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलेगी। फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज़ यीस्ट, दैट इज़ यूनिसेल्युलर। तो मोस्टली ये क्या रहेंगे, मल्टी सेल्युलर एंड लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लांटे, प्लांटे के अंदर क्या मिलता है, टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, क्लियर। तो दैट वॉज अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो दोनों यूनिसेल्युलर हो गए, ये मल्टी सेलुलर विद लूज टिश्यू। यहाँ पर टिश्यू सेल्स से मिलकर क्या बनता है, टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। तो इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है। नेक्स्ट जो आते हैं अपन, दैट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा की अगर हम बात करें तो ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और अगर हेटरोट्रॉफिक की बात करें, क्योंकि मोस्टली ये हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं, मोस्टली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, तो ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी क्या होगा, इसके अंदर दोनों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक, अगर ऑटोट्रॉफिक हैं तो फोटोसिंथेटिक, एंड हेटरोट्रॉफिक। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज अ फंजाई। फंजाई के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्या है, हेटरोट्रॉफिक। इसमें भी ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। प्लांटे की अगर हम बात करें तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कि दे आर फोटोसिंथेटिक, क्लियर। नेक्स्ट आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर आ जाएंगे अगेन, दे आर हेटरोट्रॉफ्स। इसमें ये जनरली जो होंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, दैट इज इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर।